हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी वीडियो टॉप पर नहीं दिखती है, जब भी आप सर्च करते हो तो आपका ना चैनल दिखता है ना ही आपकी वीडियो दिखती है सबसे ऊपर, और आप चाहते हैं कि जब कोई सर्च करे तो मेरी वीडियो सबसे ऊपर दिखे, कैसे होगा आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मैं देता रहता हूँ और एक अच्छी नॉलेज आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और कर दिया है स्टार्ट पर क्लिक। अब हो चुका है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन, और अब मैं यहां पर यूट्यूब ओपन करता हूं। यूट्यूब ओपन करने के बाद यहां पर मैंने एक सर्च कर रखा है रीयूज्ड कंटेंट, और रीयूज्ड कंटेंट जो मैंने सर्च कर रखा है सबसे ऊपर मेरी वीडियो दिख रही है। कैसे दिख रही है और क्यों दिख रही है, जबकि मेरे चैनल पर अभी 15,000 सब्सक्राइबर हैं। मैं आप सबको बता दूं, मेरे चैनल पर 15,000 सब्सक्राइबर हैं, और नीचे जो दूसरा चैनल देख रहे हो इनके चैनल पर है 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर, लेकिन इनकी वीडियो से ऊपर मेरी वीडियो आती है। क्यों आती है, कैसे आती है, आपको ये भी दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि मैंने पूरा अपना टाइटल कॉपी करके नहीं लिख दिया है, रीयूज्ड कंटेंट कैसे हटाएं, रीयूज्ड कंटेंट क्या होता है, हाउ टू रिमूव रीयूज्ड कंटेंट, ये कुछ लिखकर मैं नहीं कर रहा हूँ। कुछ भी आपको नहीं बता रहा हूँ कि झूठी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैंने सिर्फ एक कीवर्ड लिखा है, और इस कीवर्ड को किस तरीके से रैंक कराते हैं मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो अब मैं एक काम करूंगा, यहां पर आपको दिखाने के लिए एक वीडियो पर क्लिक करूंगा, जिस वीडियो को सबसे ऊपर देखा जा रहा है, सबसे ऊपर सर्च पर आ रहा है, इस वीडियो पर क्लिक करूंगा। यहां पर क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं इस वीडियो पर क्लिक करता हूं, यहां पर देख लो मेरे चैनल का ऐड भी आ रहा है, तो इसे कर लो लाइक वीडियो को अगर नहीं किया है। और अब मैं यहां पर देख लो, अब मैं यहां पर एक काम जो आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबके चैनल के लिए, चैनल के वीडियो को ऊपर लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है आपको। कैसे, यहां पर मैं क्लिक करता हूं डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन पर। डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन पर देखो मैंने क्या किया है, जो काम मैंने किया है यही आपको करना है अपनी वीडियो को सबसे ऊपर टॉप में लाने के लिए। ये जो मैंने ऊपर टाइटल लिख रखा है ना, रीयूज्ड कंटेंट कैसे हटाएं, रीयूज्ड कंटेंट क्या होता है, हाउ टू रिमूव रीयूज्ड कंटेंट, इस कंटेंट को कॉपी कर लेना है, पूरा टाइटल को, जितना बड़ा टाइटल है उसको कॉपी कर लेना। उसके बाद आपको लिखना है आकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस टाइटल को पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको एक काम करना है, जिस भी कीवर्ड पर अपनी वीडियो को सबसे टॉप पर लाना है, सबसे ऊपर लाना है, उस कीवर्ड का यूज आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करना है। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया, नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपके चैनल पर अगर रीयूज्ड कंटेंट आया है तो रीयूज्ड कंटेंट कैसे हटाएं, एंड रीयूज्ड कंटेंट हटाने के लिए क्या क्या करना होता है, और रीयूज्ड कंटेंट किस तरीके से यूज कर सकते हैं, रीयूज्ड कंटेंट यूज करने का बेस्ट तरीका क्या है, एंड रीयूज्ड कंटेंट। देखा आपने, इतना ज्यादा मैंने सिर्फ एक ही सेंटेंस में 10 जगह रीयूज्ड कंटेंट यूज कर लिया है। रीयूज्ड कंटेंट मैंने इसीलिए यूज किया है क्योंकि रीयूज्ड कंटेंट के ऊपर मुझे अपनी वीडियो को रैंक करानी थी, तो इसलिए मैंने रीयूज्ड कंटेंट यहां पर लिखा है ज्यादा। आपको भी वो वर्ड यूज करना है जिस वर्ड पर आपको अपनी वीडियो टॉप पर लानी है, चाहे आपके चैनल पर 10 सब्सक्राइबर हो या 10,000 सब्सक्राइबर हो, आपकी वीडियो टॉप पर आएगी, ये मेरी गारंटी है अगर आप ये काम करेंगे। दूसरा काम आपको करना है कि अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना है टॉपिक कवर। टॉपिक कवर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर देख सकते हो रीयूज्ड कंटेंट कैसे हटाएं, रीयूज्ड कंटेंट क्या होता है, हाउ टू रिमूव रीयूज्ड कंटेंट, रीयूज्ड कंटेंट क्या होता है, रीयूज्ड कंटेंट कैसे हटाएं, रीयूज्ड कंटेंट हटाने का बेस्ट तरीका। ये दो काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो काम करने के बाद आपको अपनी वीडियो के टैग में जाना है, और टैग में आपको उस कीवर्ड को लिखना है जिस कीवर्ड पर आप अपनी वीडियो रैंक कराना चाहते हैं। ये तो मैंने आपको बताया 3 बातें, जो कि मैंने ये 1 साल पहले यूज किया था, लेकिन अब चल रहा है 2021 में भी कुछ और मॉडिफाई हो जाता है काम, और कुछ जानकारियां और बढ़ जाती है, जो कि मैंने सोचा आपको वो भी बता दूं। तो
अब मैं इसको करता हूं यहां पर क्लोज, और यहां पर अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं जो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपलोड किया है दो महीने पहले इस वीडियो को अपलोड किया। इस वीडियो पर मुझे 10,000 से ज्यादा व्यूज मिल गए हैं, और आपको यहां पर दिखा देता हूं। साइड में देखो, रीयूज्ड कंटेंट मोनेटाइज ओनली थ्री डेज। ये जो मैंने वीडियो का थंबनेल बनाया है, बहुत अच्छा थंबनेल है। इस पर क्लिक करते ही लोगों को पढ़ने में आता है, देखने में आता है, और वीडियो के अंदर जो बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई है। यहां पर मैं क्लिक करता हूं इस वीडियो पर, यहां पर चल रहा है एड और नीचे आ रहा है एक और एड। ये सारे एड इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरा चैनल ऑलरेडी हो चुका है मोनेटाइज। अब मैं आपको चौथी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, देखो मैंने वो काम जो 2020 में किया था वो काम इसमें भी किया है। अपने टाइटल को कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, यहां पर देख सकते हो, ठीक है। वो एक साल पहले की वीडियो थी जिस पर 9,000 व्यूज आए थे, लेकिन वो वीडियो मेरी टॉप पर आ रही थी। ये वीडियो मेरी सर्च में आ रही है रीयूज्ड लिखने पर। तो अब मैंने इस पर क्या काम किया है, क्यों सर्च में आ रही है, देखो यहां पर मैंने पहला तो काम किया टाइटल को कर दिया कॉपी, और उसके बाद यहां पर देख सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, रीयूज्ड कंटेंट का जो टाइटल है वो कॉपी करके आपको लिखना होगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद यहां पर मैंने 4 हैशटैग यूज किए हैं, आप 4 से 5-10 हैशटैग भी यूज कर सकते हो, लेकिन स्पैम मत करना। हैशटैग यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 महीने के अंदर इस पर आ गए हैं कितने व्यूज आपको पता है, 10,000 व्यूज, जबकि मेरे 2 महीने में 10,000 व्यूज किसी भी वीडियो पर नहीं आता है। तो 10,000 व्यूज इसीलिए आए क्योंकि इस पर मैंने यूज किया हैशटैग के साथ 4 कीवर्ड यूज किया। उसके बाद लिखा है, हेलो मित्रों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप अपने चैनल को किस तरीके से रीयूज्ड कंटेंट को फाइंड करके मोनेटाइज करवा सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, थैंक यू सो मच। ये काम आपको करना है। उसके बाद टॉपिक कवर में आपको 5 से 10 कीवर्ड लिखने होंगे अपने वीडियो से रिलेटेड, ये काम आप कर लेना। उसके बाद आपको यहां पर ये डिस्क्लेमर वाला ऑप्शन है वो डाल देना ताकि आपके चैनल पर कोई दिक्कत ना हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट मैं लाता रहता हूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।